एक बार आई लव यू बोल दो ना प्लीज। आई लव यू गाइस, आई लव यू ऑल, तुम सभी को बहुत 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 सारा प्यार। वो तो गया, अब क्या तुम्हारा नाम लेके बोलेंगे? फेंकेंगे ना, उठा गए यहाँ से अब। अरे नालायको, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। तुम लोग का जीवन का हालत ऐसा ही डगमगाया रहेगा कि लड़की बोल रही होगी कि छोड़ो, क्या ही बोल तुमको। जी जान लगा के दिन रात पढ़ाई करो, बस यही है। तो उससे मेरा क्या फायदा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास टीचर फनी वीडियो के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इसके पहले पार्ट को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में हम देखेंगे देश के ऐसे महान सब शिक्षकों को जिसके क्लास में बैठकर आप बोरिंग फील को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अब वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। यह वीडियो किसी भी शिक्षकों का अपमान करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। सभी शिक्षकों का जितना सम्मान आप करते हैं उतना ही हम भी करते हैं। आगे की बात उनके लिए जो कमेंट बॉक्स में फालतू का बकैती करता है। वैसे लोगों को बता दें कि यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसलिए कृपया इसे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि लेकर भी आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए खुद को तकलीफ न दें, केवल वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि छात्र दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है, और दूसरा वो जो कोचिंग में अपनी माँ के लिए बहू ढूंढने जाता है। जो है ना, तुम लोग मतलब सच में तुम लोग को गुस्सा करूं कि मतलब ऐसा कि तेरा बच्चा है। कह रहा मैम सब सेट है, बस अब मम्मी के लिए बहू खोजनी है। तन्नू को हिलाया, तन्नू हिल गए। अपनी अम्मा को बोलो बहू मिल गई। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। माँ बहू मिल गई। इतनी खुशी मुझे आज तक। बराबर से जल्दी जल्दी एक लग रहा है, क्या लग रही हो मैम? अच्छा क्या लग रहे हैं भाई, जरा बताना। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। और उससे से बड़ी बड़ी इमोजीज वगैरह दे रखे हैं। तुम लोग इमोजी कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकालते हो? अरे किसी ने कुछ नहीं देखा है, देखा गलती से रिमोट का प्रेस हो गया था, नहीं देखा रहा। मैं तुमको बेट लगा के कह सकती हूँ कि आंसर देखने के बावजूद यहाँ पे कुछ महानुभव हैं जो लोग गलत जवाब देंगे, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं जा रहा था। बात तो सही है। प्यारी समझ गई। एक कह रहा सी है जान, तुम्हारा जान ले लेंगे हम। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, जान दे देंगे इसके लिए। तुम्हारा बाबू सोना चल रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है। वहीं यदि इन छात्रों को ऑफलाइन क्लास में बुलाकर पूछा जाए कि तुम लोग ऑनलाइन क्लास में बकैती क्यों करते हो, तो इन छात्रों का जवाब शायद ये होगा। ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बोलता है बात, ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। और इन छात्रों के माता पिता का जवाब शायद ये होगा, उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। वहीं घर से भागने वाले निब्बा निब्बियों के लिए खान सर की तरफ से कुछ सलाह। तो किसी लड़की से तू भाग के, या लड़की है तो लड़का से भाग के तू लव मैरिज कर लेती हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो कितना बड़का बोंक है रे, जरा सोच 20 साल बाद जब तुम्हारा लड़का पैदा बड़ा होगा, लड़का तो तू लोग जल्दी ये धाएं दे पैदा कर देगा, लेके भागेगा लोग तो कि पैदा कर देंगे लड़की को, तो मजबूरी बन जाएगा ब्याह करना। अब बताओ 10-15 साल बाद, 18 साल बाद जब लड़का बड़ा होगा, मैट्रिक इंटर में आएगा, तो तुम सालों ने उसको सर्टिफिकेट दिया है कि तू घूम घूम मोहल्ला में लड़कियों को लाइन मार, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत ही नहीं रहेगी कि तुम अपने बच्चों को बोलोगे कि तुम लड़कियों को काहे लाइन मारते हो। खुद बोल देगा ये पापा आप हो तो मम्मी को लेके भागे थे, अब मम्मी बोलेंगे रे पगली के बाप से तो तू फसल थी, सुनेंगे। तो सोचिए आपका दिमाग ना ठेहुना में है, ठेहुना में। आप अपने स्वार्थ के लिए आपने ऐसे आने वाली हर एक पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, और अपने बच्चे को लाइसेंस दे रहे हैं कि तू लड़कियों का लाइन मार, और लड़की है तो आप लाइसेंस दे रहे हैं अपने बच्चों के कि तो भाग जाओ यहाँ से। इसलिए भाई साहब कभी सब गलत एक्शन मत लीजिएगा, समझाएगा। अब ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ठीक है। जीवन में लड़कों से कहते कोई लड़की अगर रेडी हो गई आपके साथ भाग करके शादी करने के लिए तुरंत लात मारिएगा। अच्छा रीजन समझिए, रीजन जो पिछले 20 सालों के, सुनिए ध्यान से, जो पिछले 20 साल के माँ बाप के प्यार को लात मार सकती है, आपके 2 साल के प्यार को भी लात मार सकती है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाबू देखो तुम्हें कोई फ्री में कुछ नहीं देता है, इस दुनिया का रूल है, समझा क्या कि नहीं? आपको कोई 10 रुपया देगा तो आपसे बहुत बड़ा उम्मीद रख लेता है, समझा? कोई इस दुनिया में किसी को फ्री नहीं, हम लड़का भी नहीं देता है। अरे यहाँ लड़का किसी लड़की को 10 रुपये का डेयरी मिल्क देता है तो प्लानिंग कहाँ तक का रख लेता है पता है? लड़का तो तू लोग जल्दी धाए दे पैदा कर देगा। बेटा मन में लड्डू फूटा। दसवीं के नंबर देख के सारे बच्चे साइंस लेते हैं, दसवीं के नंबर देख के बच्चे साइंस लेते हैं, फिर साइंस जिंदगी भर बच्चों की लेती है। बात तो सही है। कियारा अडवाणी का मैसेज आया, सतीश सर पहले ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, रिश्ते की बात कर दूं क्या? ए पागल आदमी, ऐसी ऐसी बात करते हैं यहाँ पे हैं? बिल्कुल इमोशनल हो जाऊंगा मैं। वहीं ऑफलाइन क्लास का हाल कुछ ऐसा है। ये दिन देखने से पहले मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? फिर पड़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है ऐसे में बड़ा सख्त लौट हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ठीक है ये दिन देखने से पहले राजू तलाल मर क्यों नहीं जाता है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? जरा भारी बारी से आने दो। ठीक है ठीक है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। सारी खूबसूरत लड़कियां मॉडल्स नहीं होती, कुछ टीचर्स भी होती है। ठीक है तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। लाइव क्लास में बकेटी करने वालों, भाई तुम लोग गलत जगह समय बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा यह दिमाग यहाँ लगाओ और सीधा करोड़पति बन जाओ, और पहले 100 को तो आईफोन भी मिलेगा। लड़का चाहे कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, मुझसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, बस मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। जो भी मुझसे शादी करना चाहता है कमेंट में अपना नाम और कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो स्टार्टिंग के 100 लोग शादी करने के लिए कमेंट करेंगे आप उनको क्या 13 प्रो मैक्स दोगे और ये 3.5 करोड़ रुपए की पूरी बिल्डिंग उसके नाम पे कर दोगे? मेरा नाम महक है, मैं इनकी भाभी हूँ। अच्छा, नंद है आपकी? हाँ जी। हमें ना एक लड़का चाहिए शादी के लिए, तो इनसे शादी करे। अच्छा। और उससे मेरे को बच्चा भी चाहिए। अच्छा। ठीक है हो जाएगा। उसको क्या मिलेगा मतलब? उसको 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में कैश दूंगी मैं। अच्छा। बाकी घर में से आधा हिस्सा उसका रहेगा, प्रॉपर्टी का। अच्छा, गाड़ी भी देंगे? पैसा बहुत है आपके पास? बहुत है, बहुत पैसा ही पैसा होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब आपको दिखाते हैं दो बच्चों का एक वीडियो, और वीडियो देखकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मार्क किए हुए बच्चे में आपको किस तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है। भाई ये स्केलेटन सिस्टम है। नहीं, भूत है। किस एंगल से तेरे को भूत दिख रहा है? वो भूत है। दिखा कहाँ भूत? दिखा 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 भूत। दिखा भूत। कंकाल भूत। कंकाल भूत है। कंकाल भूत। और ये क्या है मेरे बता? ये भूत है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। वाह, भूत दिख रहा तेरे को जी? ये से बोलते हैं स्कल खोपड़ी। ठीक है, ये भूत है। तो अगर आपको वीडियो देखकर पता चल गया कि मार्क किए हुए बच्चे में किस तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है तो ठीक, और यदि पता नहीं चला है तो चिंता मत करो, भाई आया पता ही जाएगा। और आपको सर का नाम बताएं उससे पहले आप देखिए ये वीडियो।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ एक रियल शॉर्ट इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं जो कि मेरे फादर इन लॉ के साथ रियली में हुआ था। मेरे फादर इन लॉ रेलवे में जॉब किया करते थे और वो बांदीकुई से जयपुर रोजाना अप डाउन करते थे बाय ट्रेन। रात को आते थे, उन्हें लेट हो जाता था। एक दिन वो अपने बच्चों के लिए मिठाइयां लेकर आ रहे थे। उन्होंने मिठाई का एक पैकेट लिया था, जो छोटा पैकेट था वो अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखा हुआ था। घर पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म से उन्हें रेल लाइंस को क्रॉस करना पड़ता था, तो रेल लाइंस के अलॉन्ग चलते आ रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था शुरू से चल रहे थे कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है। जनवरी दिसंबर के आसपास का टाइम था, बहुत अच्छी खासी ठंड रहती है, लेकिन उनको डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उन्होंने तेज तेज चलना शुरू किया तो उनको लगा कि उन्हें और कोई तेजी से फॉलो कर रहा है। डर के मारे वो बहुत तेज भागे, भाग के घर पर पहुंचे, घर का दरवाजा पीट लगे, गेट खोलो। जैसे गेट खुला और उन्होंने घर के अंदर पैर रखा, कैन यू इमेजिन, वो मिठाई का पैकेट उनकी पॉकेट से निकला और उड़ता हुआ पीछे चला गया। मतलब कोई उनके पीछे उस मिठाई को लेने आया था। तो रात को जब आप चले तो संभल कर चले। वेरी डेंजरस। शिमला की पहाड़ियां जितनी सुंदर है उतनी हॉन्टेड भी है। अगर आप समर हिल्स रीजन के अंदर रात को 2 से 4 के बीच में घूम रहे हैं तो ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एक ब्रिटिश मैन लॉन्ग ओवरकोट और हैट में दिखाई दे और वो आपसे सिगरेट या फिर लाइटर मांगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। ए, चुप रे। अरे उनके एक स्टूडेंट को रात को 2 बजे के आसपास एक ब्रिटिश मैन दिखाई दिया और उसने उससे सिगरेट मांगी। लड़का स्मोक नहीं करता था, उसने मना किया कि मेरे पास सिगरेट नहीं, और मना करते उसके गाल पे खींच कर 2 चाटे। ये बिहेवियर देखकर जैसे उसे मारने के लिए घुमा, ब्रिटिश मैन उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। लेकिन अगर आप उसे लाइटर दे देते हैं तो वो आपकी आंखों के सामने डिसअपीयर हो जाता है। अगर निशिदाक बंगाल का एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड, एक ऐसी आत्मा जो आपको आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी मदर या फिर आपके सिस्टर की आवाज से पुकारती है। ये क्या बात करता है यार। ये सिर्फ आपको 2 बार ही पुकार सकती है। जब आप इसकी आवाज सुनकर इसके सोर्स की तरफ जाते हैं तो ये आपको अपने जाल में फंसा लेती है। आपको ये एक सुनसान जगह पर लेकर जाएगी और मारने से पहले ये आपको अपना असली रूप दिखाती है। अगर आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे छीन लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं है और वो मैं आपको दे दूं तो ये आप में से किसी ने कभी भी निशिदाक को एक्सपीरियंस किया है? सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी हम रात को कभी भी ऑटो लें या लिफ्ट लें या आपके साथ ऑटो में कोई शेयरिंग सवारी आ रही है तो सबसे पहले उनके पैर देख ले कहीं मुड़े हुए तो नहीं है, वरना आपको भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा सर का नाम। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि कांतारा से लेकर भेड़िया, भूखी चुड़ैल से लेकर जिद्दी जिन, ब्रह्म राक्षस से लेकर पिचासिनी, रक्षाबंधन से लेकर वैलेंटाइन डे, हॉरर ट्रेन से लेकर भूतिया ट्रक, हॉस्पिटल से लेकर हाउस, मृत्यु दोष से लेकर कर्मा, इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक सभी प्रकार के भूत पिचास जिन आदि के थोक एवं खुदरा विक्रेता हैं प्रिंस सर। और वो धीरे से उसके कान में बोले, इस जन्म में तो मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर पाया, लेकिन अगली लाइफ में मैं तुम्हें परेशान करने जरूर आऊंगा। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है? अब तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी बैठ के मेरी कहानी सुनाऊंगा ना भाई तो तेरी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे चेला। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर हमें भी जरूर बताएं, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।